हेलो गाइस, वेलकम टू वीजे स्टोर एंड वीजे स्टोर के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टीम के अकाउंट में अपने मनी ऐड कर सकते हैं। ये स्टीम वॉलेट में, जैसे आप देख सकते हैं, मेरे पास 0.34 रुपीज़ ही हैं खाली, क्योंकि मैं सारे उड़ा चुका हूँ, मतलब खर्च कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसमें अपना ऐड करूँगा मनी। अनफॉर्चुनेटली अभी पेटीएम से हम इसे इसमें पैसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने डेबिट कार्ड, जियो मनी, कुछ वेबसाइट्स जियो मनी और जो भी वॉलेट है हमारे इंडिया में अवेलेबल, उनसे प्रोवाइड कराती है, लेकिन पेटीएम उनमें से नहीं है। और इसके लिए आपको एक कोड परचेज करना पड़ता है स्टीम वॉलेट कार्ड का, और उसके बाद आप स्टीम पे उसे रिडीम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं इंडिया में, जैसे कि gamersgift.com एंड gamersdeal.com। तो इन दोनों में से आप कहीं से भी स्टीम वॉलेट कार्ड परचेज कर सकते हैं। तो अभी गेमर्स डील पर तो सारे के सारे कार्ड सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ। और gamersgift.com, इस पर काफ़ी सारे स्टीम वॉलेट कार्ड अवेलेबल हैं, जैसे कि ये 150 रुपीज़ का। इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये कुछ कमीशन वगैरह नहीं लेते, जो भी इनका होता है वो पीछे से ही सेटिंग होती है, कि मतलब जो भी इनका कमीशन वगैरह होता है, हम अगर 150 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो उस वॉलेट कार्ड में हमें 150 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अपना वॉलेट कार्ड सेलेक्ट करना है। मैं अभी के लिए 150 रुपीज़ वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखिए चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है, तो चेकआउट में मैं क्लिक करूँगा। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पर आपको एक आईडी बनानी पड़ती है। वो आईडी लॉगिन करने के बाद, जैसे मैं अभी अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ, आईडी लॉगिन करने के बाद ये आपका एड्रेस वगैरह पूछता है, और पूछता है कि किस पेमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई हैव रीड एंड अग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन, कंटिन्यू, कन्फर्म ऑर्डर। एक 150 रुपीज़ का मेरा वॉलेट कार्ड है, कन्फर्म ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं पेमेंट करने आया हूँ, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट। वॉलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल मनी है, आई कैश कार्ड है, आइडिया मनी, जियो मनी भी होगा, हाँ ये रहा जियो मनी, बट अभी पेटीएम नहीं है। तो पेटीएम शायद आगे आ जाए, लेकिन अभी पेटीएम नहीं है। तो जिससे भी आपको इसमें पे करना है, पे करके आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक ऐसा मेल आ जाएगा। ये देखिए, ये मेल आप देख रहे हैं, इस मेल में ये की दे रखी है इन्होंने मुझे, और इस की के द्वारा मैं अपना स्टीम पे मतलब बैलेंस रिडीम कर सकता हूँ। तो इस की को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने कॉपी करके रख लिया है, ये रहा डेस्कटॉप पर। इस की को प्लीज़ क्या कहते हैं, यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये यूज़ कर ली है। अब मैं इसमें आकर ये रहा गेम्स पर ऊपर क्लिक करूँगा, और ये रहा रिडीम स्टीम वॉलेट कोड। इस पर क्लिक करने के बाद अब वो मेरे से कोड पूछेगा कि आप कोड जो आपको मिला है वो इसमें टाइप कीजिए। तो ये रहा, तो यहाँ पे मेरे को जो मेल में कोड आया हुआ था, जो कि ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये देखिए, सक्सेसफुली 150 रुपीज़ मेरे स्टीम वॉलेट में ऐड हो गए हैं। तो यही है सबसे आसान प्रोसीजर। पेटीएम से जल्दी जल्दी, जैसे ही पेटीएम अवेलेबल होगा, मैं पेटीएम से भी उसका एक ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।